अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति तथा जनवादी महिला समिति द्वारा सोमवार को संविधान चौक पर मोदी सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के 3 बिलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और जनवादी महिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को जनवादी महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को साड़ी पहनाकर कृषि बिल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। आंदोलन में शामिल महिला ने कहा कि नई व्यवस्था में मंडी और MSP प्रणाली खत्म कर दी जाएगी और सरकार उनसे गेहूं और चावल लेना बंद कर देगी। उन्हें खतरा इस बात से है कि उन्हें अपना माल प्राइवेट कंपनी और बड़े कॉरपोरेट घरानों को बेचना पड़ेगा और किसान बंधुआ मजदूर बन जाएंगे। आंदोलन तब तनावपूर्ण हो गया जब देश के प्रधानमंत्री को आंदोलनकारियों ने साड़ी और चूड़ी पहनाकर उनके लिए गए निर्णयों पर विरोध जताया। कुछ समय के लिए आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। यह आंदोलन जारी रहेगा और 1995 से यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे, किसान ऐसे थे कि जो नीतियाँ थी खुले बाजार की वगैरह, वो उन पे गलत असर लाने वाली थी। तब से बहुत सारे किसानों के गुट है जो कि उन नीतियों को विरोध कर रहे थे और आज भी उन नीतियों को विरोध हो रहा है। WTO के प्रेशर में ये मोदी जी ने ये जो काले कानून लाए हैं, ये WTO के, IMF के और अदानी अंबानी के प्रेशर में लाए हुए हैं। इसलिए हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि आप जो बता रहे हैं कि आप सारे दुनिया में भारत का नाम रोशन करने जा रहे हो और भारत को विश्वगुरु बनाने जा रहे हो, नहीं, आप तो भारत को IMF का, WTO का नौकर बनाने जा रहे हो। उनके दबाव में आपने ये कानून लाए हैं।